हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मूंग दाल और लौकी की ये टेस्टी सब्जी की रेसिपी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से ये रेसिपी बनाएंगे लौकी की सब्जी की, तो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही सिंपल है। मैंने इसे बिना लहसुन प्याज के बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये सब्जी। लौकी और मूंग दाल के साथ मैंने इसे किस तरह से बनाया है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूंग दाल और लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमने एक कटोरी ये मूंग दाल ली है। मैं मूंग दाल छिलके वाली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना छिलके की भी इस सब्जी में ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने 500 ग्राम लौकी, जिसे मैंने छील के कट कर लिया है, और ये सब्जी मैं बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पे मैंने कुकर रख दिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। मैं ये सब्जी कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी पतीले या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी 2 पिंच हींग डाल देते हैं, और इसी के साथ जाएगा ये अदरक और हरी मिर्च। अदरक को मैंने घिस लिया था और हरी मिर्च 2 ली हैं, उन्हें कट कर लिया है। थोड़ी देर हम इसे इसी के साथ भून लेंगे। और उसके बाद हम 1 टमाटर जो चॉप कर लिया था वो भी इसमें हम डाल देते हैं, और टमाटरों को हम अच्छे से पका लेंगे। इसी के साथ हम कुछ ये मसाले डाल देंगे। तो 1 छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल दें, और ये हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, और इन चीज़ों को भी हम भून लेते हैं। मसालों के साथ अच्छे से ये टमाटर भी गल जाएगा और हमारे मसाले हैं जो अच्छे से इसमें भुन जाएंगे। इसी के साथ हम इसमें अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जो कि हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें हम ये कट की हुई लौकी डाल देंगे। इसी के साथ हम इसे ऐड कर देते हैं, सारी लौकी को, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाला इसमें मिक्स हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है, और अब इसमें हम डाल देंगे ये मूंग दाल। और मूंग दाल को मैंने अच्छे से धुल दिया था, और आप चाहें तो बिना छिलके वाली ले सकते हैं। इसमें मैं छिलके वाली ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। और अच्छे से हम इसको भी इसी के साथ मिक्स कर देंगे। तो वैसे तो लौकी पानी काफ़ी सारा छोड़ती है, लेकिन हम इसमें, क्योंकि मैंने इसमें दाल डाली है, तो दाल को पकने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें 1/2 कटोरी पानी ऐड कर देती हूँ, और अब इसमें लास्ट में जाएगा ये नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालें। और अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से फ्लेम को स्लो कर दें, जिससे हमारी जो लौकी है काफ़ी सारा पानी छोड़ देगी, और उसी के साथ हमारी जो दाल है वो अच्छे से पक जाए। और प्रेशर कुकर का हम ये इस तरह से ढक्कन लगा देते हैं, और फ्लेम को स्लो कर दें, और 2 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। सीटी आ चुकी है, और अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए सब्जी हमारी तैयार है, और अच्छे से दाल पक गई है, लौकी भी अच्छे से पक गई है, और सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं, और ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी लौकी और मूंग दाल के साथ ये टेस्टी सी सब्जी। धनिया इसे डाल के बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्जी की रेसिपी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।